गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। वेलकम इन आवर इंग्लिश क्लास। टुडे वी विल डिस्कस आवर चैप्टर नंबर 10। द टॉपिक इज लैटेलेफोनी। वी विल नो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैटेलेफोनी, मीन्स कंबाइन ऑफ टू वर्ड्स। ये जो आपके लेसन पार्ट का नाम है, जो लेसन का नेम है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एलिफेंट के नेम से प्लस टेलीफोन के नेम से, दोनों को मिक्स करके इनका नेम बन गया लैटेलेफोनी। द लेसन विल एक्सप्लेन विद गेम ऑन स्टेप इन द बॉक्स। एली द एलिफेंट कॉल्स हर फ्रेंड जेरी। एलिफेंट जो है, जिसका नाम है एली, अपने दोस्त जेरी को बुलाता है। द जिराफ टू आस्क अबाउट, जिराफ से ये पूछने के लिए, और जेरी किसका नाम है, जिराफ का, ये पूछने के लिए अबाउट व्हाट द टीचर हैड टॉट इन द क्लास, कि टीचर ने क्लास में क्या पढ़ाया था दैट डे, उस दिन। जेरी टोल्ड हर, जेरी उसको बताता है, दैट द टीचर हैड टॉट नाउंस, टीचर ने आज उस दिन नाउंस के बारे में स्टडी करवाई थी। लेट अस आल्सो लर्न अबाउट नाउंस, आओ हम नाउंस की भी स्टडी करें। बाई प्लेइंग द गेम, गेम को खेलते हुए, स्टेप इन द बॉक्स। देखिए स्टूडेंट, पेज नंबर 154 पर ये बॉक्सेस में कुछ वर्ड्स के नेम लिखे हुए हैं, जैसे सिटी, डॉग, बुक, गोवा, मग्स, टेबल, मीना, ताजमहल, कैंडीज, पेंसिल्स। ये सब अपने अपने वर्ड्स हैं, नाउन ही हैं। हमने इस लेसन में इनके बारे में आज स्टडी करनी है। नाउ सब पहले फोकस स्किल्स, एज अ लर्नर आइडेंटिफिकेशन, एज ए गेम प्लेयर अडेप्टिंग टू डायनामिक एनवायरनमेंट। मटेरियल रिक्वायर्ड, वाइट चॉक पाउडर, कलर टेप। फिर हमें मार्कर भी चाहिए। टेंस स्लिप्स विद कॉमन नाउंस, टेंस स्लिप्स ऐसी होनी चाहिए जिस पर कॉमन नाउंस के नियम लिखे हों। फाइव स्लिप्स विद प्रॉपर नाउन, फाइव स्लिप्स पर प्रॉपर नाउन, एंड फाइव स्लिप्स ऑफ प्लूरल रिटन ऑन देम। और फाइव स्लिप्स ऐसे चाहिए जिससे जिस पे जो वर्ड्स लिखे हों वो प्लूरल में हों, और एक बाउल की भी चाहिए। इंस्ट्रक्शंस, रीड दीज इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली एंड लर्निंग आउटकम विल कम। नाउ ऑन पेज नंबर 156 हेयर आर न्यू वर्ड्स। स्टूडेंट, द फर्स्ट मीनिंग इज है आपका सर्टेन। सर्टेन का मीनिंग क्या होता है, श्योर। The meaning of certain is sure. Sure means निश्चित। And second है entangled। Meaning of entangled is caught, twisted around something. Caught means पकड़ना, या twisted around something means किसी चीज में फंस जाना। Now before our starting lesson, first of all we will discuss, did you know? क्या हम जानते हैं इस lesson के बारे में? No. I will explain. लियोरा एलिजाबेथ हाउ रिचर्ड वाज अमेरिकन राइटर। ये जो आप नाम बोला मैंने अभी, लियोरा एलिजाबेथ हाउ रिचर्ड, ये जो है ये पोयम इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। ये एक अमेरिकन राइटर थी। लैटेलेफोनी इज़ ए वेल नोन पोयम फॉर चिल्ड्रन। जो ये लैटेलेफोनी पोयम है ये बच्चों के लिए ही खासकर है। एंड वाज एनिमेटेड फॉर ए टेलीविजन शो सिस्मा स्ट्रीट। और ये फिल्म, ये जो लेसन है आपका, टेलीविज़न पर भी एक शो के नाम से इसको प्रस्तुत किया गया, जिसका उस शो का नाम था सिस्मा स्ट्रीट। रिसाइटिंग पोयम विद करेक्ट इंटोनेशन एंड एक्सप्रेशन इज ऑलवेज फन। इस पोयम को जो रिसाइट करना है वो प्रोनाउंस राइट वे में होना चाहिए, और जो एक्सप्रेशन है उसका वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, फन वे में। लेसन है हमारा लैटेलेफोनी। ये जो आपका वर्ड लैटेलेफोनी है ये एक कविता है, इसको राइट किया है लियोरा एलिजाबेथ रिचर्ड ने। देखिए स्टूडेंट, लेसन का नेम तो होना चाहिए था टेलीफोन, बट ये एक एलिफेंट के बारे में है। एलिफेंट प्लस टेलीफोन को मिक्स करके इस लेसन का नाम पड़ गया लैटेलेफोनी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड द पोयम, देन आई विल एक्सप्लेन। Once there was an elephant who tried to use the telephone. No, no, I mean an elephone.
who try to use the telephone. Dear me, I am not certain quite that even now I have got it right. However, it was, he got his trunk entangled in the telepunk. The more he tried to get it free, the louder buzzed the telepee. I fear I did better drop the song of Alipi Hope and the Telephone. Written by Dora Elizabeth Richard. ये कविता है एक एलिफेंट की. क्या है कि एक वंस देयर वाज एन एलिफेंट. एक बार एक एलिफेंट था. वो ट्राई टू यूज द टेलीफेंट. अब यहाँ टेलीफेंट, ये दोनों शब्द मिक्स होकर बन गया टेलीफेंट. एलिफेंट प्लस टेलीफोन से. वो टेलीफोन को यूज करना चाहता था. नो नो आई मीन एन. आप देखिए बच्चों, अगली लाइन में यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन आ गया किसका, कि टेलीफेंट नहीं, मुझे टेलीफोन का यूज करना था. वो ट्राई टू यूज द टेलीफोन, कि एलिफेंट जो है उसने एक बार, एलिफेंट ने एक टेलीफोन को देखा तो उसकी इच्छा हुई कि वो इस टेलीफोन को यूज़ करे. जैसे आम हम जैसे लोग यूज़ करते हैं ना टेलीफोन को, वैसे ही ये एलिफेंट भी इस टेलीफोन का यूज़ करना चाहता था. लेकिन वो श्योर नहीं था कि वो इसको यूज़ कैसे करे. दैट इवन नाउ आई हैव गॉट इट राइट. लेकिन उसे उस कुछ तो इसके बारे में नॉलेज थी कि वो इसको बिल्कुल स्ट्रेट वे में उठाएगा. लेकिन उठाएगा किससे, अपनी ट्रंक से. However it was, he got his trunk. वही नेचुरली हुआ कि उसने किससे उठाया टेलीफोन को, अपनी ट्रंक से. लेकिन जैसे ही वो अब उस ट्रंक से टेलीफोन को उठाने की कोशिश करता है, वो टेलीफोन एंटेंगल्ड उसकी ट्रंक में क्या हो जाता है, एंटेंगल्ड हो जाता है. मीन्स जकड़ जाता है, पकड़ा जाता है. द मोर ही ट्राई टू गेट इट फ्री, जितनी ज़्यादा वो एलिफेंट उससे टेलीफोन को छुड़ाने की कोशिश करता है, उतना ही ज़्यादा टेलीफोन जोर से बजने लगता है. द लाउडर बजर द टेलीफी, बेल की आवाज़ और ज़्यादा लाउडर हो जाती है. अब आई फियर, वो कहता है कि अब तो मैं भी डर रहा हूँ. आई डिड बेटर ड्रॉप द सॉन्ग, कि अगर इसको गिरा दूँ तो क्या पता इसमें से बढ़िया सॉन्ग ना बजने लग जाए. ओ एलिपो एंड टेलीफोन, घूम फिर कर वही बात, वही शब्द आ जाते हैं. दो बच्चों देखिए कि मीन एक बार एक जो है एलिफेंट था, वो फ़ोन को यूज़ करना चाहता था लेकिन उसे आता नहीं था इसका यूज़ कैसे करना है. अपने नाम से और लेसन के नेम से इस दो शब्दों से मिक्स होकर वो एक नया फोन, नया नाम दे देता है इसको, लैटलेफोनी. फिर वो कोशिश करता है अपनी ट्रंक से इसको उठाने की, लेकिन जैसे ही वो इसको उठाने की कोशिश करता है, वो उसकी ट्रंक में क्या हो जाती है, ट्विस्टेड हो जाती है. यानी कि दो चार घेरों में टेलीफोन बन जाता है. लेकिन जैसे ही वो इसको छुड़ाने की कोशिश करता है बार बार, तो इसका जो साउंड है और भी ज़्यादा लाउडर हो जाता है. नाउ स्टूडेंट, आफ्टर इट ऑन पेज नंबर 158 पर, हियर आर सम क्वेश्चंस. ट्राई टू फाइंड दीज क्वेश्चंस एंड पेज नंबर 160. नाउ वी विल डिस्कस आवर कंसेप्ट कनेक्शन. टॉपिक इज नाउन. अभी हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था ना, जिस गेम के माध्यम से इस लेसन को एक्सप्लेन किया गया है, उसमें टॉपिक क्या था हमारा, कंसेप्ट कनेक्शन. नाउन. नाउ लेट अस रिवाइज सम ऑफ द ग्रामर कंसेप्ट्स वी नो. अब हम कुछ ग्रामर के कंसेप्ट्स को रिवाइज करते हैं जो हम पहले ही जान चुके हैं. वी विल ऑल्सो लर्न समथिंग न्यू. इस लेसन में हम कुछ और भी नया सीखेंगे नाउन्स के माध्यम से. नाउन्स क्या होते हैं, हिंदी में आपने नाउन्स को पढ़ा होगा, हिंदी में तो जानते ही हो. नाउन्स को ही संज्ञा बोलते हैं. नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, द नेम ऑफ ए प्लेस ए थिंग और ए पर्सन इज नोन एज अ नाउन. किसी भी जगह का नाम, किसी वस्तु का नाम और व्यक्ति का नाम, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं. लेट अस रिवाइज सम मोर कंसेप्ट अबाउट नाउन. आओ हम इसके बारे में कुछ और अधिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं.
फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होते हैं? ए कॉमन नाउन नेम्स ऑल जनरल और कॉमन थिंग्स। कॉमन नाउन किसको रेफर करता है? जनरल सामान्य वस्तुओं को और कॉमन कॉमन थिंग्स को यह रेफर करता है। ए कॉमन नाउन ऑलवेज बिगिन विद ए स्मॉल लेटर, और इसकी सबसे बड़ी आइडेंटिफिकेशन पहचान ये होती है कि ये स्मॉल लेटर से शुरू होता है, अनलेस इट बिगिन इन ए सेंटेंस, और एक स्मॉल लेटर के साथ शुरू होकर वाक्य में जाता है। सेकंड है हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं स्टूडेंट? क्या होते हैं प्रॉपर नाउन? ए प्रोनाउन, ए नाउन दैट नेम्स ए पर्टिकुलर पर्सन। एक वो नाउन जो पर्टिकुलर पर्सन को रेफर करता है और प्लेस को रेफर करता है इज कॉल्ड ए प्रॉपर नाउन। उसे हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन बोलते हैं। ए प्रॉपर नाउन आल्सो नेम, प्रॉपर नाउन फेस्टिवल के नेम को शो करता है, पीरियड इन टाइम्स को भी शो करता है, रैंक अटैच टू नेम्स ऑफ पीपल, लोगों के नेम के साथ जो उनकी उपाधियाँ या पोजीशंस होती है उसको भी शो करता है। फॉर एग्जांपल जैसे दिवाली नेम ऑफ फेस्टिवल, मंडे नेम ऑफ द डे, द रामायण फेमस बुक एंड डॉक्टर। प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विद ए कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होते हैं, इवन इफ दे आर इन द मिडिल और द एंड ऑफ द सेंटेंस। चाहे वो सेंटेंस के मिडिल में आए या फिर सेंटेंस के अंत में भी आ जाए तो भी वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमित नेम, स्टूडेंट हमने पिछले क्लासों में भी पढ़ा है कि नेम का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल ही होता है। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली नेम ऑफ सिटी, रामायण नेम ऑफ बुक एंड दिवाली नेम ऑफ द फेस्टिवल। अब हम पढ़ेंगे सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है सिंगुलर नाउन्स एंड प्लूरल नाउन्स। लेटर्स डिवाइड सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। ए नाउन दैट टॉक अबाउट ओनली वन पर्सन, वो नाउन जो केवल एक पर्सन के बारे में बातचीत करता है, प्लेस के बारे में, एनिमल और थिंग केवल एक वस्तु के बारे में, इज कॉल्ड ए सिंगुलर नाउन। उसे हम क्या बोलते हैं? सिंगुलर नाउन के नाम से संबोधित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एन एप्पल इज केप्ट इन द बास्केट। अब स्टूडेंट देखिए एप्पल सिंगुलर है, बास्केट भी सिंगुलर है। द काउ इज ईटिंग ग्रास, द डक इज स्विमिंग इन द पॉन्ड। ऑल दीज वर्ड्स एप्पल काउ एंड डक ऑल आर सिंगुलर। ए नाउन That talks about more than one person, वो noun जब एक से ज़्यादा व्यक्तियों के बारे में सूचना प्रदान करता है, place के बारे में, animals के बारे में और things के बारे में, is called a plural noun। तो उसे हम क्या बोलते हैं? plural noun। plural noun के example देखिए, previous examples ही हैं। The apples are kept in the basket। Student, singular noun में हमने शब्द पढ़ा था apple, लेकिन plural noun में क्या बन गया? apples। इसी तरह काउ से काउज, एंड द डक आर स्विमिंग इन द पॉन्ड, डक से क्या बन गया? डक्स बन गया। यानी कि ये तीनों प्लूरल शब्द बन गए। इन वर्ड्स एंडिंग विद ए कंसोनेंट एंड वाई वी रिप्लेस वाई विद आई ई एस टू मेक देम प्लूरल। स्टूडेंट इन वर्ड एंडिंग अगर कोई वर्ड खत्म होता है ए कंसोनेंट से एंड उसके पीछे अगर वाई लगा हुआ है, मान लीजिए कोई भी वर्ड है उसके पीछे वाई लगा हुआ है और वो वर्ड किससे ख़त्म हो रहा है? कंसोनेंट से। कंसोनेंट तो जानते ही हैं, व्यंजन, जो हमारे इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स हैं उनमें से 21 जो हैं वो हैं व्यंजन्स एंड 5 जो हैं वो वोवल साउंड्स हैं। जो व्यंजन हैं उन्हीं को ही हम कंसोनेंट साउंड्स बोलते हैं। We replace the y with ies। वर्ड के अंत में जब y आ जाता है हम उसको हटाकर उसकी जगह पर क्या यूज़ करते हैं? प्लूरल शब्द बनाने के लिए ies यूज़ करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है आपका कैंडी। कैंडी में देखिए क्या है? CANDY। अब जो y से पहले है वो हमारा कंसोनेंट है
दी, और इस वाई को कैंडी को हमने प्लूरल बनाना है, तो हम कैंडी के लास्ट वाला वर्ड जो वाई है इसको कट करके वाई की जगह पर रिप्लेस करेंगे आई ई एस और ये बन जाएगा कैंडीज। इसी तरह सेकंड है जेली। देखिए स्टूडेंट, वाई से पहले एल कंसोनेंट है, अब इसको हम प्लूरल में बनाने के लिए वाई को रिमूव करेंगे और इसकी जगह पर आई ई एस ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा जेली। सेम वे बटरफ्लाई, बटरफ्लाई में वाई हटाकर आई ई एस जोड़ेंगे तो बन जाएगा बटरफ्लाईज। नाउ स्टूडेंट, व्हेन वी चेंज द नाउन टू इट्स प्लूरल, जब हम किसी नाउन को इसके प्लूरल फॉर्म में चेंज करते हैं, इट्स डूइंग वर्ड और वर्ब आल्सो चेंज, तो इनका डूइंग वर्ब और इनकी वर्ब जो है वो भी चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल सिंगुलर है, जैसे द गर्ल इज स्टैंडिंग, अब यहाँ जो द गर्ल है वो भी सिंगुलर है और इज जो है वर्ब है वो भी सिंगुलर वर्ब है, लेकिन हम जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो द गर्ल से क्या बन जाएगा, द गर्ल्स। तो इसकी जगह पर अब जो इज सिंगुलर वर्ब है इसके जगह पर वर्ब भी प्लूरल आएगी, तो वर्ब क्या आ जाएगी अब, द गर्ल्स आर डांसिंग। तो इस तरह से जब हम किसी नाउन को इसके प्लूरल फॉर्म में चेंज करते हैं तो उनके वर्ब और उनके डूइंग वर्ब इन सब सब्जेक्ट में भी चेंज आ जाता है। व्हेन वी यूज प्रोनाउंस, जब हम प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं, वी मेक द सेम चेंज, हम सेम चेंज ही फॉलो करते हैं। जैसे सिंगुलर में है द बॉय सिंग्स वेल, अब देखिए द बॉय सिंग्स वेल, अब इसको प्लूरल बनाना है तो वहाँ पर बॉय की जगह क्या आ जाएगा, द बॉय। और इस जो सिंगुलर सेंटेंस है उसमें सिंग्स में ऑलरेडी एस लगा हुआ है, लेकिन हम प्लूरल बनाते हुए सिंग्स में एस नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे पास बॉयज़ में प्लूरल में पहले ही ऑलरेडी एस है। ही हैज़ ए कंप्यूटर, उसके पास एक कंप्यूटर है, अब इसको प्लूरल में बनाना है तो ही की जगह पर आ जाएगा दे, हैज़ की जगह आ जाएगा हैव, अब हैव के साथ ए नहीं आता तो यहाँ पर कंप्यूटर की जगह क्या आ जाएगा, दे हैव कंप्यूटर्स। कुछ इरेगुलर प्लूरल्स भी होते हैं, सम नाउन्स डू नॉट फॉलो एनी रूल्स, क्योंकि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो किसी भी प्रकार का कोई भी नियम या रूल फॉलो नहीं करते टू फॉर्म देयर प्लूरल नाउन्स अपने प्लूरल नाउन्स में, सच नाउन्स आर कॉल्ड, ऐसे नाउन्स को कहा जाता है इरेगुलर प्लूरल्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैन वुमेन, मैन का मैन, वुमेन का वुमेन, टूथ का टीथ, माउस का माइस, फुट का फीट, चाइल्ड का चिल्ड्रन, ये कुछ इरेगुलर नाउन्स हैं। स्टूडेंट अब सम नाउन्स हाउ एवर आर सेम इन द सिंगुलर प्लूरल फॉर्म, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर भी सेम होते हैं और प्लूरल भी सेम होते हैं, वो कौन कौन से हैं, जैसे शिप, एयरक्राफ्ट, मैनर्स, न्यूज़, डियर। स्टूडेंट्स ये सिंगुलर वर्ब में भी सेम रहते हैं और प्लूरल वे में भी सेम रहते हैं। नाउ इसके बाद आपका पेज नंबर 164 पर आता है प्रैक्टिस जोन 2, इसमें आपको कुछ कॉमन नाउन और कुछ प्रॉपर नाउन्स दिए गए हैं, बॉक्सेस में आपको कॉमन नाउन को सेपरेट करना है और प्रॉपर नाउन को। फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है चेंज द सिंगुलर नाउन टू प्लूरल, वही हमने जब भी पढ़ा था वाई हटाकर आई एस का यूज़, इनको प्लूरल में बदलना है। थर्ड है सर्कल द प्लूरल नाउन्स ऑफ द नाउन एंड री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, अब स्टूडेंट कुछ ऐसे सेंटेंस में आपको प्लूरल नाउन को नाउन्स में बदलना है सिंगुलर नाउन्स में और इनको दोबारा राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका वो है अंडरलाइन द सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन, एक पैराग्राफ दे रखा है इसको पढ़ के इसमें जितने भी वर्ड हैं उनमें आपको सिंगुलर या प्लूरल नाउन को अंडरलाइन करना है। और 5th है क्वेश्चन अंडरलाइन द कॉमन नाउन, सेंटेंस को पढ़ के अंडरलाइन करना है कॉमन नाउन को और सर्कल करना है प्रॉपर नाउन को। सो थैंक यू स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।